5 बज गए शाम के। अरे इधर तो स्विमिंग पूल भी है, ये तो पता ही नहीं था। पर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, 22 डिग्री, सर्दी लगेगी। ओ फैमिली के साथ तो इंजॉय हो जाता है, इस तरह से एरिया है। ओ वाओ वाओ, एक एक चीज पे खूबसूरती है। शांति इतनी, अगर इस यही लेक है ना हरियाणा में या उधर होती ना दिल्ली की साइड, इतना क्राउड होता। वाओ आसमान और समुंदर, और बीच में ऐसे लग रहा किसी ने ना पेंसिल से लाइन खींच दी हो, बिल्कुल एक जैसा। और जो वाटर है ना मिरर का काम कर रहा है इधर, सो नाइस व्यू। वाओ पेंटिंग और दिखाती हूँ, केवल हाथी का सूंड सूंड की फोटो है ना, कोई बॉर्डर लाइन नहीं, क्लासिक। ये देखो, ये इंग्लिश हिंदी और ये मलयालम, ऐसी होती है मलयालम लैंग्वेज। तमिल है, तेलुगु है, पता नहीं, डिफरेंट होती है। तमिल और मलयालम सेम सेम वर्ड्स, तेलुगु इज इट लिटिल बिट डिफरेंट। वाओ ये टेबल भी अच्छी है, देखो इसका जो कवर एरिया है कितना अच्छा है। ये तो कम लकड़ी में बन जाएगी, घर पे बनाए तो। ये देखो वेलकम ड्रिंक दिए इसमें, बिल्कुल ही कैसा गिलास है, छोटा सा जूस। थोड़े से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। कितना स्पेस है, ऐसे ही हो रहा है। ये जो टाइल है ना, इसमें बीच में होल है, उसमें से भी ग्रीनरी मतलब उग रही है। क्या डिज़ाइन है, सही है ना, सड़क की सड़क और ग्रीनरी की ग्रीनरी, कारपेट की तरह लगता है ये। अब तो मैं ना ये जो बीच है, ब्लैक साइड वाटर बोलते हैं इसको, यहाँ पर घूम के आ रही हूँ। टाइमिंग होगी लगभग 5 PM शाम के 5 PM, 5 बज गए शाम के। अरे इधर तो स्विमिंग पूल भी है, ये तो पता ही नहीं था। पर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, 22 डिग्री, सर्दी लगेगी। ओ फैमिली के साथ तो इंजॉय हो जाता है, इस तरह से एरिया है।
वाओ, एक एक चीज पे खूबसूरती है। वो देखो उस साइड है ना बच्चों के गेम का वो है डिपार्टमेंट। देखो बर्ड्स, डक, चंदन तिलक, इसमें ना मछली बहुत होती है इनमें। हाय क्या बयान भयंकर नज़ारा है, शांति इतनी। अगर इस यही लेक है ना हरियाणा में या उधर होती ना दिल्ली की साइड, इतना क्राउड होता। बट हेयर नो एनी क्राउड, नेचर बिल्कुल सेफ है। ये पता नहीं क्या है, इधर कमल के फूल खिलते हैं क्या? ओ वैसे तो है ना केरला समुंदर के बिल्कुल सामने ही है, लेकिन जैसे ये बैक वाटर और जगह जगह लेक बनी हुई है तो इसमें क्या होता है ये इनकी वजह से ना ऐसा लगता है जैसे केरला है ना एक आइलैंड है समुंदर के बीच में, और गहरी पता नहीं ये कितनी होगी। वाओ आसमान और समुंदर और बीच में ऐसे लग रहा किसी ने ना पेंसिल से लाइन खींच दी हो बिल्कुल एक जैसा। और जो वाटर है ना मिरर का काम कर रहा है इधर, सो नाइस व्यू। वाओ वाओ, ये मछलियां ऐसे तैर रही है, कुचर 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 हो रहा है पानी में। पर ये कौन सी फसल है भाई, छोटे छोटे इसमें कुछ फ्रूट से लग रहे हैं फल टाइप, पूछना पड़ेगा। वाकई नॉर्थ इंडिया के का जो नेचर है ना वो बचा हुआ नहीं है अब, क्योंकि वहाँ पर है क्राउड पॉपुलेशन। इधर तो बिल्कुल इधर क्राउड भी नहीं है यानी पोल्यूशन, तो इधर की ग्रीनरी और नेचर प्रकृति इज सेफ, टोटली सेफ। इन दिस केरला या साउथ इंडिया नेचर इज वेरी सेफ। और यहाँ के लोग नेचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बारिश होती रहती है, इतनी ग्रीनरी रहती है, लोग शांत है इधर के। एक बार और एक बात और देखी है मैंने, जैसे टूरिस्ट एरिया है ये नहीं है भी कोई लालच में ऐसे जैसे कोई लालच में ऐसे लूटता हो, ऐसी कोई भी नहीं है यहाँ पर, धोखेबाजी लूट बिल्कुल भी नहीं है। मेन ये भी एक मेन चीज़ है, लोगों को लालच है नहीं किसी चीज़ का इधर। यहाँ के लोग सेटिस्फाइड है बिल्कुल अपनी धरती से और सेफ रखते हैं उसको।
पुलिस भी यहाँ की स्ट्रिक्ट है यार, इसमें तो जाल नहीं लगा रखा। ये वो हो गए ना, इधर कोई जाएगा नहीं, तो ये जंगली टाइप हो गई, ये वाइल्ड फॉरेस्ट हो गया एक तरीके से। जो ये सामने ये घास है ना, पौधे पेड़ पौधे ऐसे तैर रहे हैं, देखो ऐसा लग रहा धरती हिल रही है। सामने है मरीन ड्राइव, शाम का नजारा कितना अच्छा लग रहा है। वैरायटी वैरायटी करीमी नहीं आ जाएगा। 100 मे बी केजी 650 और सम 650 पर केजी 650 पर केजी, पता नहीं वो क्या कह रहे, मेरे तो समझ तो बाहर है। कह रहे हैं यहाँ पर है ना स्नैक सांप और मछली और एक व्हेल, एक और है कहते हैं सील, अगर ज़्यादा हो तो डेंजरस है, अदरवाइज पता नहीं क्या है। तो ये है बैक वाटर, ये कह रहे हैं इधर 10-20 फीट है और बीच में जाके 60 फीट या 100 फीट तक है गहरा इधर। वाओ गुड। यहाँ तो है ना कितनी देर तक खड़े रहो, इतना अच्छा फील होता है नेचर को, ऐसे नहीं आते रहो, दूर तक पानी ही पानी, आसमान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समुंदर नहीं है ये, मतलब बैक वाटर है एक तरह से, है तो समुंदर ही, समुंदर का पार्ट है वैसे तो। इस पेड़ पे लाइट कितनी अच्छी लग रही है, गुड कलर। इन दिस एरिया 2018 सुनामी, वी वॉकिंग, टेल मी अगेन, टू टेल मी अगेन 2018 या ए बहुत खराब है ना। हाँ हाइट, वाटर हाइट ए 10 मीटर ज्यादा हुआ ऊपर, टू कोकोनट ट्री हाइट। हाँ ए बहुत ए सी है ना, सी मलयालम से मलयालम, हाँ मलयालम मालूम, हाँ मलयालम, हाँ तमिल तमिल से तमिल तमिल तो सेम है। स्टार 2018 ने सुनामी വന്നിട്ട് വളരെ അധികം ആൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇത്. കുറേ മനുഷ്യ ജനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആഴത്തിലാണ് വെള്ളം വന്നത്, എല്ലാ റോഡുകളും എല്ലാം വളരെ നാശമായി, വളരെ ലോസിലാണ് പോയത് കേരളം. സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം നോർത്ത് ഇന്ത്യ. सुनामी वाटर गो ऑफ साइड लाइक 2 कोकोनट ट्री हाइट, वेरी ट्रेजेडी 2018 इन दिस प्लेस। हाउ डिस्टेंस एम जी रोड मेन मार्केट कोची 7 किलोमीटर
7 किलोमीटर नाउ इरोकेलम व्हाट यू से एर्नाकुलम 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 एडपी एडपल्ली एडपल्ली एमजी रोड मेयर मार्केट व्हाट्स मॉल बिग मॉल लुलु मॉल लुलु मॉल बड़ा मॉल है लुलु मॉल अच्छा है एंड द डिस्टेंस दिस दिस लोकेशन 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर यहाँ पर केरला में 24 आवर कैब सर्विस है और ऊबर सर्विस और इन ड्राइव सर्विस बहुत है 24/7 वर्किंग ये भाइयों कह रहा है कि जो सुनामी आई ना सुनामी ऐसी आई थी 2020 में काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों की डेथ हुई थी मतलब ये जो कोकोनट नारियल के पेड़ है इनको दो मिला दो हाइट में इतनी लहर आती है केरला में 2-3-4 बार आ चुकी है सुनामी जैसे अपने यहाँ केदारनाथ की ट्रेजिडी हुई थी इस तरह से इधर सुनामी से डर लगता है इनको यहाँ के लोगों को इसलिए सुनामी से ज़्यादा डर लगता है हमारे यहाँ बाढ़ आती है या फिर जैसे केदारनाथ की ट्रेजिडी हुई थी वैसे और यहाँ पर सुनामी लहर बिल्कुल इतनी ऊपर ऊपर की जाती है समुंदर की लहरें सबको डुबो देती है और एकदम बैक हो जाती है फिर लहरें आती है फिर बैक ले जाती है और उसमें बहुत कुछ बहा के ले जाती है उसको बोलते हैं सुनामी अब मैं जिस ब्रिज पे चल रही हूँ ना इसके दाएं बाएं बैक वाटर है यूँ समझ लो ये भी बहुत बड़े समुंदर टाइप है समुंदर जैसे बीच बीच में आइलैंड है लोग रहते हैं समुंदर है बैक वाटर है ये ब्रिज देखो कैसे बनाया होगा इतने गहरे पानी में इतने लंबे ब्रिज बनाना हाउ कैन पॉसिबल चारों तरफ पानी ही पानी है दाएं बाएं बैक साइड फ्रंट साइड बैक साइड थोड़ा सा अंधेरा हो गया दरवाजे में दिखाते जैसे वहां पर दिखाया था कलम में इंद्रा में ऐसे यहां पर बहुत बड़ा मॉल है और एक एमजी रोड मार्केट है कोची में देख के आते कैसी है ये है एमजी मार्केट तनिष्क का शोरूम है इधर तनिष्क ऊपर ऊपर व्हाट ऊपर मेट्रो लाइन हाँ ओके ऑल कोची मेट्रो लाइन ऑल कोची मेन एमजी रोड मेन मार्केट कोची हाँ पुलिस से सो स्ट्रिक्ट है स्ट्रिक्ट है स्ट्रिक्ट बड़ा स्ट्रिक्ट है बड़ा स्ट्रिक्ट है बिग सिटी सो बिग मार्केट इधर भी एमजी रोड में सारे ब्रांचेज है मैक्स ट्रेंड्स उत्तर स्विगी जोमोटो हाँ जोमोटो स्विगी वाह स्विगी जोमोटो और पूरा फूड डिलीवरी हाँ ब्रांड दिस राइट कुड्डी वालम ड्रिंकिंग वाटर इतनी बड़ी मार्केट है ये जब से हम छोटा छोटा मार्केट
एमजी रोड की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो कोची में मेट्रो समुंदर के बीच में से होके जाती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वाओ, कल देखेंगे कैसे जाती है ये, ऐसे कैसा एक्सपीरियंस होगा इसका। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग आ गई। जो कोची मेन सिटी है ना, यहाँ तो मॉडर्न है सब, मेट्रो है और इतनी अच्छी मार्केट है। ओल्ड टाइम केरला की मेन सिटी है कोची, बट अदर प्लेस ग्रीनरी और कोठी अच्छी अच्छी, दाएं बाएं बिल्कुल शांत कॉलोनी वगैरह विलेजेज और इस तरह से है। मुनार ऐसा पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल शांत और लग्जरी टाइप। और दाएं बाएं तो वाटर, बैक वाटर और शांति वाले इलाके हैं, नॉर्मल विलेजेज। मेन सिटी कोची है। कोची का जो एमजी रोड है ये 20 किलोमीटर लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक से इसमें ऐसे फैला हुआ है। ब्रांडेड कंपनीज और मेट्रो, मेनली मेट्रो, वेरी सरप्राइज, मेनली फॉर मेट्रो। हैदराबाद किचन, ये सामने आ गया भाई, लूलू मॉल। ये कितनी बड़ी मेट्रो स्टेशन है, ये लूलू मॉल से मेट्रो की सर्विस प्रोवाइड है। आप यहाँ पर आओ लूलू मॉल, शॉपिंग करो, यहीं से आप मेट्रो से चले जाओ। मेट्रो वे लूलू मॉल से कलेक्टेड है, यहाँ से मेट्रो पकड़ी और पूरे कोची में घूमे आए। कहीं भी जाना हो मेन मेन टूरिस्ट पॉइंट, नो कैब, नो एक्स्ट्रा खर्चा। पता ही नहीं था, ये धोखा लगा मुझे तो इस चीज़ का। मैं सोचा कोची में कहाँ मेट्रो होगी, समुद्री एरिया है। वैसे इसे देखो, एडवांस सिटी है ये तो कोची, वैसे ट्रेडिशनल सिटी है। उनको मुनार गई थी तब देखा, और यहाँ आके तो एकदम से ही बिल्कुल ही मॉडर्न सिटी, एडवांस। ये तो चंडीगढ़ की तरह हाई फाई सिटी है, इतनी बड़ी सिटी चंडीगढ़ की तरह। बहुत अमीर लोग है इधर तो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये सामने विच हीरो, व्हाट्स नेम, लूलू मॉल नहीं, हीरो हीरो, योर मूवी हीरो, हीरो लाइफ स्टाइल, लाइफ सेट, लाइफ सेट लाल, मोहनलाल हीरो नेम, मलयालम, मलयालम मेन एक्टर। ओके, मेन एक्टर, दिस इज मोल, मोहनलाल मेन एक्टर मलयालम। और ये तो अलांटे की तरह बड़ा है, हमारे चंडीगढ़ में अलांटे मॉल में, मतलब हमारे चंडीगढ़ में अलांटे मॉल है बहुत ज़्यादा बड़ा। और इस तरह से ही है ये लूलू मॉल, लूलू मॉल। नाम देखो कितना एंडी है। बैंक गेट, दिस इज फ्रंट गेट, फ्रंट गेट, ओके, बैक गेट अनदर। एंड मेट्रो, वेयर मेट्रो, अंदर से, ओके, इनसाइड, इनसाइड, ओके।